हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम लोग एसिडिटी के क्या मेन कारण होते हैं उसके बारे में समझेंगे। अगर हम कारण एक बार समझ लेंगे तो उस कारण को हटाने से हो सकता है हमारी एसिडिटी में फायदा हो जाए। एसिडिटी का मतलब है कि रिफ्लेक्स आना, मतलब कि एसिड जो आहार नली तक आता है तो सीने में जलन होना, कई बार मुंह में खट्टी डकार आती है, उसको एसिडिटी बोलते हैं। अमूमन लोग उसको गैस बोलते हैं, हम बोलचाल की भाषा में गैस बोलते हैं। तो एसिडिटी का क्या मेन कारण है उसको हम जानेंगे। जो पहला सबसे इंपॉर्टेंट कारण है वो एक बैक्टीरिया है, स्पायलोरी बैक्टीरिया, जो स्टमक में रहता है और ज्यादा एसिड का प्रोडक्शन कराता है। वो स्पायलोरी बैक्टीरिया को इसलिए हमेशा उसका ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। अगर किसी को एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो डॉक्टर से मिलकर एक बार चेक करवाना चाहिए। उसके लिए जांचें आती हैं कि कहीं वो तो नहीं, क्योंकि वो एसिडिटी भी कराता है, इन्फ्लेमेशन भी कराता है, सूजन भी कराता है, अल्सर भी करा देता है और कई बार कैंसर भी कराता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण है एच पायलोरी, एक बैक्टीरिया उसके कारण होता है। दूसरे कारण की बात करें तो सिगरेट स्मोकिंग, मतलब तंबाकू के प्रोडक्ट हैं, हुक्का हो गया, खैनी, गुटखा, पान मसाला, ये सब भी एसिड के सिक्रेशन को बढ़ाते हैं। तीसरा कारण बात करें एल्कोहल, एल्कोहल किसी भी फार्म में हो वो एसिड के प्रोडक्शन को बढ़वाती है। इसके अलावा इन्फ्लेमेशन पेट के अंदर हो जाता है, उससे जो आहार नली और पेट के बीच का जो स्फिंक्टर है, जो रास्ता है, दरवाजा है, उसको रिलैक्स करती है, इसलिए एसिडिटी उसमें भी हो जाती है। तो ये भी एक बड़ा कारण हो गया। इसके अलावा टी और काफी दोनों में कैफीन होता है। इंडिया में काफी लोग पीते हैं, कभी बार खाली पेट पीते हैं, कई बार खाना खाने के बाद। कैफीन एक एसिड स्टिमुलेंट है, एसिड का सिक्रीशन कराता है। तो ऐसे लोग जिनको एसिडिटी ज्यादा हो रही है वो काफी और चाय को लिमिट में करें। इसके अलावा एक मोटापा बड़ा कारण है, मोटापा से एसिड ज्यादा बनता है। प्रेगनेंसी में एसिडिटी होती है, प्रेगनेंसी में जो बच्चा पल रहा है वो प्रेशर डालता है ऊपर, और प्रेगनेंसी में हार्मोन एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन निकलते हैं जो एसिडिटी को बढ़ाते हैं, और जो रिफ्लक्स है वो प्रेगनेंसी में बढ़ जाता है। तो एक वो भी कारण है। जो कार्बोनेटेड बेवरेज होते हैं जैसे कि सोडा हो गया, इसके अलावा कोक हो गया, पेप्सी हो गया, फेंटा, मिरिंडा, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो सारे एसिडिटी को प्रमोट करते हैं। तो ऐसी बेवरेज जो पीने के बाद आपको डकार आती है, ऐसा लगता है कि अंदर मेरी गैस ठीक हो गई, एक्चुअली में वो एसिडिटी को प्रमोट करते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब पीना, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि आप कहीं पेट सही करने के लिए जो पीने जा रहे हो और एसिडिटी को प्रमोट करती हैं, राइट। इसके अलावा जो एनर्जी ड्रिंक्स हैं, अलग अलग तरह के स्पोर्ट्स ड्रिंक्स आती हैं, लोग लेते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक हैं, वो भी एसिडिटी के प्रोडक्शन को बढ़ाती हैं। जो नेक्स्ट चीज की बात करें वो है तेज तीखा मसाला। मसाले वाली चीजें, चाहे वो किसी भी तरह की आप यूज करो, चाहे अचार में, चाहे चटनी में, या नॉन वेज में मसाले यूज करो, जितने भी स्पाइस हैं वो सारे के सारे एसिडिटी को प्रमोट करते हैं। इसलिए रेस्टोरेंट में जाते समय लोग सूप ऑर्डर करते हैं, टोमेटो सूप या स्वीट कॉर्न, ये सब पीने से एसिडिटी एक्चुअली बढ़ जाती है, इसलिए लगता है कि मेरी भूख बढ़ गई, तो वो एसिडिटी कराते हैं। ऐसे जो फ्राइड फूड होते हैं, फ्राइड फूड मतलब कि समोसा या कचौरी या फिंगर चिप्स हो गया, दूसरी जो तली भुनी चीजें होती हैं बाजार में, पकौड़े अलग अलग तरह के मिलते हैं, ये सब तली भुनी चीजें एसिडिटी को प्रमोट करती हैं। ऐसे ही जो नॉन वेजिटेरियन फूड है, रेड मीट है, उसमें ज्यादा सैचुरेटेड फैट होता है, तो चिकन मटन, उनमें एसिड भी, उसमें तेज मसाला भी डलता है और ऑयल भी डलता है, तो वो भी एसिडिटी को प्रमोट करते हैं। सैचुरेटेड फैट में जो वनस्पति घी है या अलग अलग वेजिटेबल्स ऑयल है, रिफाइंड ऑयल है, वो भी एसिडिटी को प्रमोट करते हैं, इसलिए उनको भी लिमिट में लेना चाहिए। इसके अलावा कुछ बिहेवियर से संबंधित आपके, मतलब किसी का तनाव हो, चाहे शारीरिक तनाव हो या स्ट्रेस में मानसिक तनाव हो, किसी भी चीज की घबराहट है, चिंता है, एंजाइटी है, उससे एसिडिटी बनती है। शरीर के अंदर स्ट्रेस हार्मोन निकलता है, कार्टिसोल वगैरह, वो एसिडिटी को बढ़ाता है। अनिद्रा, पूरी नींद ना लेना, वो भी एसिडिटी को प्रमोट करता है। रात में ना सोना, वो भी एसिडिटी प्रमोट करता है। व्यायाम नहीं करना, जो लोग सेडेंटरी लाइफ जीते हैं, घूमते फिरते एक्सरसाइज नहीं करते, उनमें भी एसिडिटी ज्यादा होती है, तो ये भी एसिडिटी के कुछ कारण हो गए। इसके अलावा कुछ मेडिसिन हैं, कुछ दवाइयां हैं, स्पेशली दर्द की दवाइयां, जैसे पैरासीटामॉल, आइबुप्रोफेन, एस्पिरिन, अपने मन से लेते रहते हैं बिना डॉक्टर की सलाह से, ये भी एसिडिटी कराती हैं। पेट के अंदर ऐसे बदलाव करती हैं कि एसिड ज्यादा निकले, तो दर्द की दवाइयां हैं। इसके अलावा एंटीबायोटिक्स होती हैं, कुछ कैंसर की दवाइयां हैं, ब्लड प्रेशर की दवाइयां, तो जितने तरह की भी दवाइयां मोटे तौर पे लोग खाते हैं उसमें एसिडिटी होने के ज्यादा चांस रहते हैं लंबे समय पे लेने, इसलिए डॉक्टर दवाइयों के साथ में हमेशा एक एंटेसिड, मतलब पीपीआई वगैरह लिख देते हैं अमूमन, राइट। तो ये भी एक कारण होता है। इसके अलावा जो फास्ट फूड है, जो चाइनीज फूड है, जैसे कि मंचूरियन है या चाउमीन है, उससे भी एसिडिटी होती है।
या जो ठेले पे बाजार में चीज़ें मिलती हैं तली भुनी होती हैं, चाट समोसा पकोड़ा, इन सब से भी एसिडिटी होती है। तो ये भी एसिडिटी के बड़े कारण में से हैं। और इसके अलावा खाना खाने की अगर तुरंत बाद आप लेट जाते हो उससे भी एसिडिटी होती है। ज़्यादा खाना खा लेने से, एक साथ ज़्यादा खाना खा लेने से एसिडिटी होती है। इसलिए बोला जाता है कि कम कम खाओ और खाने के 2-3 घंटे बाद सोना चाहिए। तो एसिडिटी का ये भी एक कारण होता है। और ज़्यादा अंतराल पे अगर कोई खाना खाता है, राइट, खाना खाने के बीच में ज़्यादा गैप देता है तो भी एसिडिटी होती है। फास्टिंग व्रत रखने से एसिडिटी हो जाती है। ज़्यादा नमक वाली चीज़ों से एसिडिटी हो जाती है, जैसे कि मिर्च मसाला या अचार चटनी, इन सब से। तो दोस्तों ये सारे एसिडिटी के अलग अलग कारण हो गए। जैसे कि मैंने बोला कि कुछ खाने से संबंधित हैं, कुछ दवाइयाँ हो गई, कुछ आपके दिनचर्या से संबंधित हैं। इसलिए जिसको एसिडिटी से संबंधित प्रॉब्लम हो तो देख ले कि इनमें से क्या उसके अंदर है, इससे बचाया जा सकता है। एसिडिटी होती है फैटी फूड खाने से, तेल मसाला खाने से, और कम होती है वेजिटेबल और फ्रूट्स लेने से कम होती है, एक्सरसाइज करने से कम होती है, सेडेंट्री लाइफ जीने से, मोटे होने से ज़्यादा होती है। तो ये दोस्तों एसिडिटी के बारे में जानकारी थी। नमस्कार।